हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन है, तो वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं और आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं और सेट कर पाएंगे अपने फ़ोन में, इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं जिसमें आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते हुए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन में आप कैसे फिंगरप्रिंट लॉक को लगा सकते हैं और सेट कर पाएंगे, तो देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है जिसमें से आपके पास सिक्योरिटी ऑप्शंस आता है। तो सिक्योरिटी ऑप्शंस पे जाकर फिंगरप्रिंट सेटिंग्स पे चले जाना है, जिस पर पासवर्ड डाल देना है। यहाँ से फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। सिंपली स्टार्ट एनरोलमेंट पे जाना है, जिस पर जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ QR कोड शो हो रहा है जिसमें आपको बस इस तरह से सेंसर पे अपना फिंगर है इस पर ऐड करना है। तो जब आप फिंगर सेंसर पे फिंगर्स को ऐड कर लेंगे इस तरह से टैप करके, तो कुछ ही सेकेंड के अंदर आपका जो फिंगर्स है आपके फ़ोन पे लग जाएगा, सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में और अपने फिंगर्स के जरिए स्क्रीन को भी ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेते जाकर वीडियोस को शेयर करें।